हाजीपुर में जलाभिषेक के लिए जा रहे श्रद्धालुओं का वाहन हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे करंट लगने से 8 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा हाजीपुर इंडस्ट्रियल थाना इलाके के सुल्तानपुर में रविवार की रात हुई। गांव के लड़के हर सोमवार को हरिहरनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली पर यात्रा करते। इस बार उन्होंने डीजे का भी इंतजाम किया था। सड़क की उबड़ खाबड़ स्थिति के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली हाईटेंशन लाइन से टकरा गई, जिससे करंट लगने से कई श्रद्धालु झुलस गए और 8 की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग की लापरवाही का आरोप लगाया और अधिकारियों के पहुंचने पर हंगामा किया। पुलिस और एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया, लेकिन तब तक मृतकों के शव देर रात तक वहीं पड़े थे। होता है ना, जहाँ पे लाइन मैन होता है, जहाँ पे मैनेजमेंट होता है, वहाँ पे होता है क्या? उस टाइम में क्या कर रहा था वहाँ पे मैनेजमेंट? हमारा यही सवाल। कितने लोग थे ट्रॉली पे सवार? ट्रॉली पे लगभग तो बहुत लोग थे, लेकिन फिलहाल 8 लोग थे जो सफाई एकदम ऑन स्पॉट, उसको हम लोग बचाने की कोशिश करके भी चाहते हुए भी नहीं बचा पाए। उसके बाद ना कम से कम तो 4-5 आदमी जिसको शॉर्ट सर्किट हल्का हल्का लगा, वो अभी ट्रीटमेंट लोकल में ले रहा है अभी। तो क्या मांग डिमांड क्या आप लोगों का, क्या चाहते? डिमांड क्या है, अभी तो क्षति हो गया, गार्जियन सबका सारा चला गया, समझिए तो गांव का 8 से 9 लड़का चला गया। क्या मांग कर सकते? ये लोग जा कहाँ रहा था? सब इसी गाँव के है। जा कहाँ रहा था? जा रहा था हरिहरनाथ पे, बोलबम के नाम पे। सुबह में आता लोग? मेरा नाम मधुरेंद्र कुमार हुआ। कौन कौन गाँव का लोग? गाँव के लोग यही सुल्तानपुर।